यूपी के जनपद औरैया अंतर्गत भीकमपुर की 24 वर्षीय कल्पना जो कि जन्म से एक किडनी व दोनों पैरों से विकलांग है, फिर भी उसके जीने का एक अलग अंदाज है। विकलांग को इन दोनों समस्याओं के बावजूद भी उसने बीए की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने भरण पोषण हेतु घर में एक छोटी सी दुकान कर रखी है। दुखद पूर्ण बात तो यह है कि कल्पना की एक ही किडनी है और वह भी डैमेज है, जिससे वह अस्वस्थ रहती है। उनके पिता गणपत सिंह का कहना है कि कल्पना जन्म से ही एक किडनी से जी रही थी। उनको इस बात की जानकारी तब हुई जब कल्पना के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट आने पर पता चला कि कल्पना के पास एक ही किडनी है, वह भी डैमेज है, जिससे उसका इलाज चलता रहता है। परंतु आर्थिक तंगी के चलते वह अपनी पुत्री का सही ढंग से उपचार नहीं करा पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि वहीं पर कल्पना ने ये भी बताया कि मुझे विकलांग पेंशन का रुपया मात्र 3-4 बार मिला, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने विकलांग पेंशन भी बंद कर दी। क्या नाम है गुड़िया आपका? कल्पना। कहाँ के निवासी हो? दयालपुर औरैया से। क्या समस्या है आपकी? विकलांग है दोनों पैरों से। विकलांग है? क्या विकलांग सर्टिफिकेट बना या नहीं बना? मात्र 40% का बना है। मात्र 40% का बना है, जबकि आपको देखा गया है कि आपके दोनों पैर बिल्कुल कमजोर हैं। लेकिन 40 का बना है, फिर भी उसमें कोई सुविधा नहीं है। क्या आपका कोई पेल्सिन वगैरह बनी कि नहीं बनी अभी? नहीं बनी। पेल्सिन आपकी अभी तक बनी नहीं है? नहीं बनी थी, वो बंद हो गई। कब से बंद हो गई? कितने दिन आपने कितने बार पेल्सिन उठाई अपनी? मार्च से बंद हो गई। कितने बार आपने उठाई है पेल्सिन? 4 बार उठाई है। मात्र 4 बार आपने पेल्सिन उठाई, इसके बाद बंद हो गया। प्रशासनिक अधिकारी और आप अपने विभागीय अधिकारियों से आपने इस संबंध में बात नहीं की? आप गई नहीं? गई गए थे, कोई मतलब सुनवाई नहीं है। अच्छा, सुनने को ये भी आया है कि आप एक ही किडनी पे जीवित हैं? हाँ, एक किडनी है, वो एक ही है बचपन से और वो भी खराब है। एक किडनी है वो भी आपकी खराब है? हाँ। बीमारी स्थिति में आप जूझ रहे हैं? हाँ। क्या प्रशासन के द्वारा आपको कोई राहत दी गई है? नहीं, कोई राहत नहीं। नहीं, पापा गरीब रहेंगे तो इलाज जैसा हो रहा वैसा करा रहे हैं। गरीबी के कारण सही से उपचार भी नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्या कहना है मीडिया के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहेंगी प्रशासन को? कुछ सुविधाएं मिले, कुछ सुविधा मिले, आपका उपचार सही ढंग से हो सके। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए औरैया से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। देशवासियों को समाज सेवी मोहित गुप्ता की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।